यस ऑल ऑफ यू, देखिए जरा क्या कह रहे हैं। लेट ए बी एनी 3x3 रियल मैट्रिक्स सो दैट ए आइडेंटिटी के बराबर नहीं है लेकिन जो सम है ईच रो का वो वन है। यहाँ से कई लोगों को कुछ चीजें याद आ रही होंगी बट जरा ठहर लो ठहर लो। टेल मी क्या आप ए को ये ले सकते हैं, यस और नो? इससे सिंपल तो क्या ही होगा। अभी रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बहुत सारे चॉइसेस हैं। कैन वी टेक दिस, कैन वी टेक दिस? इन तीनों में से क्या नहीं ले सकते? बस ये नहीं ले सकते, बाकी तो सब कुछ ले सकते हैं। अच्छा, क्या ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है? बस फिर ये तो गलत हो गया, ये झूठ है। कह रहे ना ये कैन नॉट बी ऐसा मैट्रिक्स जो ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता। नहीं भाई, हो सकता है ना ये रहा? बल्कि लगभग मैक्सिमम मैट्रिक्स तो सेटिस्फाई करते हैं और परम्यूटेशन मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ये लास्ट वाला तो गलत हो गया। अब इन्हीं दोनों को लेके जरा ए पार्ट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इसमें से क्या ट्रू होना चाहिए, अगर ये ट्रू है तो हर बार ट्रू होना चाहिए। जरा मेरे को बताएंगे व्हाट इज ए माइनस आई? इसको भी छोड़ो छोड़ो उसको, इसकी शक्ल देख के बताइए इसका रैंक कितना है। मैट्रिक्स ऑफ रैंक वन की आइजन वैल्यूज क्या होती हैं? सारी आइजन वैल्यूज जीरो बट लास्ट वाला ट्रेस, बहुत बार बताया बताया है। सो दिस विल बी 0, 0, 1, ये तीन आइजन वैल्यूज हैं। अगर इसकी ए की आइजन वैल्यू 0, 0, 1 है तो ए माइनस आई की आइजन वैल्यूज क्या क्या होंगी? 0, -1 है ना, आई की 1 होती है, फिर 0, -1, फिर 1, -1। धन्यवाद। तो दिस विल बी -1, दिस विल बी -1, दिस विल बी 0। अगर ए माइनस आई की ये आइजन वैल्यू है तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 0, तो इन्वर्टिबल नहीं है, गलत। इज इट ओके? करो यहां तक करो पहले। वो कह रहा है एक ऑर्थोगोनल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्या इशू है? आराम से हो सकता है, दुनिया भर के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सेटिस्फाई करते हैं। ए गया और डी गया। हाँ मेरे को पता है बी और सी की स्टेटमेंट बहुत खतरनाक है, तो आप सोच रहे हैं कोई और एक और गलत हो जाए तो आपकी खुशियों में थोड़ा चार चांद लगा दिए जाएं ये बोल के कि ये मल्टीपल वाला क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है। अब तो आपको एग्जाम ही नहीं करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यस ये ट्रू हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो भी आपको ये चेक करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि ये गलती होगा या ये ट्रू हो गया तो वो चेक कर, अब दोनों की कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके देखिए, अभी आपने ए पार्ट और डी पार्ट बड़े आराम से कर लिए सिंपल चॉइसेस लेके। अब जरा इधर आइए, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप राइटिंग, याद करो जरा। याद करना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी को याद है सम ऑफ ईच रो इज 1 तो क्या होता है? ये तो क्लास में करा है। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे रोज का एक कॉमन सम आ रहा है तो वो तो आइजन वैल्यू बन जाता है। तो कराया ना क्लास में, 100% कराया होगा। ना सिर्फ वो आइजन वैल्यू बनेगा बल्कि अगर आपने ठीक से पढ़ा तो कॉरेस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर क्या होता है, किसी को तो याद होगा, किसी को भी याद नहीं है। अरे कमाल कर दिया यार, एग्जाम देने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? रो सम मतलब सम ऑफ ईच रो, देन टू थिंग्स विल हैपन। नंबर वन, अल्फा इज एन आइजन वैल्यू, इसमें तो कोई शक नहीं है। अरे बोलते कहे नहीं, ये तो यूज होता रहता है। नंबर टू, कॉरेस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर, किसी को भी याद नहीं है। अरे यार ऐसे मत करो, ये क्वेश्चंस कराए इसलिए जा रहे हैं। सोचिए जरा अगर अभी नहीं होता तो क्या होता, ये रहा ना, ये आपको क्लास में कराए गए, क्लास में कराए। रो सम ये होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर 1, 1, 1, 1, 1, 1। अपनी नोटबुक चेक करना घर जाके, तो करना ही पड़ेगा। अब तो क्वेश्चन ऐसा आ गया, अवेयरनेस फैला रहा है क्वेश्चन। हाँ जी आइए जरा, अभी यहाँ जरा बात करते हैं। अभी तो आपका आइजन वैल्यू से काम चल रहेगा, साथ आइए प्लीज सी बाई फैंटास्टिक क्वेश्चन। पर ऐसे तो कम से कम है ही कि आपको हिला के रख दिया इसने। नाउ नोट, इम्प्लाइज 1 इज एन आइजन वैल्यू, किसका भाई, किसका आइजन वैल्यू? ए का। इधर कॉपी करना बंद कीजिए, तो ए का एक आइजन वैल्यू आ गया 1। एक ऐसा मैट्रिक्स है तो उसकी तो तीन आइजन वैल्यूज होनी चाहिए। अरे भाई उन्होंने क्वेश्चन ऐसे दिए हैं कि बाकी की जरूरत ही नहीं है, वो कहीं सारी आइजन वैल्यूज पूछ ही नहीं रहा। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये भी वैसे ही, देखो ये भी वैसे ही है, सब कुछ दिया होता है क्वेश्चन में। क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते? अरे बोलो भाई, डेफिनेटली ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ तो 1 लिखा ही हुआ है। यस क्या चीजें हैं,
वही वन आइजन वैल्यू और एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर, सब कुछ तो क्वेश्चन में है ही, बाकी आइजन वैल्यूज चाहिए नहीं। बट सर कैसे करें, अभी कराते हैं आपको, जरा याद कीजिए एवरीवन, याद करिए भाई। अगर ए का आइजन वैल्यू है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, तो ए स्क्वायर का क्या होगा? आंसर दे दो भैया जल्दी से, अल्फा स्क्वायर बीटा, ओके। के टाइम्स ए का क्या होगा? के अल्फा के बीटा के गामा, तो इसका क्या होगा? पहला आइजन वैल्यू अल्फा प्लस टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, अगला आइजन वैल्यू, थैंक यू वेरी मच। अब जरा सी पार्ट पढ़िए, तो होने वाली चीजें हैं, देखने में रखते राक्षस हैं। सी पार्ट पढ़िए, सी पार्ट। द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आपको बार बार बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में या तो आप मतलब लैम्डा मत लिखो, एक्स लिखो, एक्स एक्स, तो यहाँ लैम्डा लिखा है, लेट मी कॉल इट पी एक्स। तो किसी के पेट में तो दर्द होना नहीं चाहिए, ये पी एक्स ले लिया हमने, इधर ठहरो। लेट मी कॉल इट पी एक्स, जब ये पी एक्स कह दिया तो यहाँ पे लैम्डा माइनस फोर की जगह एक्स माइनस फोर लिखना पड़ेगा, इज इट ओके? अब पढ़िए जरा क्वेश्चन दोबारा से, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओके, लेट मी कॉल इट मैट्रिक्स बी 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 बी, दिस आधा ना, ऑल ऑफ यू लेट बी इक्वल टू ए प्लस टू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। हाँ जी, एम आई राइट इन राइटिंग द फॉलोइंग, क्योंकि ए के पास कम से कम एक आइजन वैल्यू वन है, तो इसका कम से कम एक आइजन वैल्यू क्या होगा? वन। बोलो भैया क्या होगा? कम से कम एक आइजन वैल्यू वन प्लस टू, वन वन स्क्वायर यानी टू प्लस वन, क्या हो गया यहाँ पे? ओह कमाल ही हो गया, तो देयर फोर देख लो अच्छे से, किसका आइजन वैल्यू है? बी का। अगर ये बी का आइजन वैल्यू है, सो What is the characteristic polynomial of B? Just wait, 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 wait. सब कुछ 3x3 में चल रहे हैं, तो कायदे से इसके पास तीन आइजन वैल्यूज होनी चाहिए। अरे बाबा, तीन में से एक तो पता लग गई ना, तो यहाँ जो थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, क्या उसमें से x माइनस फोर बाहर नहीं आएगा? बोलते का ही नहीं, इंटू पॉलिनोमियल ऑफ पोली डिग्री टू, उसका आपको मतलब भी नहीं। अब पढ़ो जरा, हो गया क्वेश्चन, लुक एट सी पार्ट। द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स हैज x माइनस 100%, तो आपने हाथों से कर लिया आपने, यानी कि सी पार्ट फॉल्स है ट्रू है, एक जरा सी स्टेटमेंट से क्या क्या निकल सकता है, कंप्लीट कीजिए जरा। वन आइजन वैल्यू पे बेस्ड ही सब कुछ दे दिया, बी पार्ट भी उसी पे बेस्ड है, उसको बाकी आइजन वैल्यूज चाहिए ही नहीं। अगर ये सिंगल करेक्ट होता तो आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया होता, बट ये मल्टीपल है, दैट मींस आपको बी में तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा, और बस फॉर्चुनेट यही है कि बी वाला जो है वो वन से ही रिलेटेड है, लैम्डा इक्वल टू वन से। थोड़ा ट्राई कीजिए फिर उस पर बात करेंगे। ऑल ऑफ यू प्लीज गो थ्रू पार्ट बी बिफोर बॉम्बे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं बोलने का मतलब कि सर समझ में नहीं आ रहा है या हो नहीं रहा, हो तो किसी से भी नहीं रहा। ओके ये स्टूडेंट्स ये आराम से पहचान लेंगे, थोड़ा बहुत काम किया अगर आपने तो। हाँ जी जरा ध्यान दीजिए इधर, ये टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन है, ये वन डायमेंशन है। यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, तो दो ही होता है, वो तो दो ही होता है। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ आर क्यूब, यू मस्ट बी वॉन्डरिंग ये सब क्यों बताया जा रहा है आपको, भाई जरा देखो यहाँ, ठीक है। डायमेंशन दो होने का मतलब क्या है? इसका ये मतलब थोड़ा ना कि सेट में दो ही वैक्टर्स होंगे, जो तो अनकाउंटेबली मेनी वैक्टर्स है। तो ऐसे ही अगर किसी वेक्टर स्पेस का, ऑल ऑफ यू, अगर किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन वन आ गया, भाई ये ना समझे कि इसमें एक ही एलिमेंट है, वन आ गया का मतलब वी जो है एक स्पैन, एक वेक्टर का स्पैन बनेगा, इज इट ओके? वेयर ऑब्वियसली वी इज नॉन जीरो, बट नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या मिल गया। अब जितनी वैल्यूज आप अलग अलग अल्फा को देते जाएंगे उतने ही आपके रिस्पेक्टिव वेक्टर्स मिलते जाएंगे आपको, जस्ट वेट। तो ये पूछना ऑल ऑफ यू,
क्योंकि आप लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, अलग चीज है या नहीं? डायमेंशन पूछना या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी पी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आते जरा प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी भी नहीं समझे। देखो यहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, दिस इज दोज एक्स वेयर ए माइनस वन आई एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज नथिंग बट नल स्पेस ऑफ ए माइनस आई, इज इट ओके? तो अगर आपसे ये पूछा जाता कि नलिटी पूछ लेते, मान लीजिए नलिटी का मतलब डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए माइनस आई पूछ लेते, तो उस केस में यू नो जैसे भी निकालते, या फिर अब जो पूछा है वो ये पूछे है, पहले अपनी आंखें मल मल के देखिए, बताइए जरा दोनों में फर्क है या नहीं है, डिफरेंस है ना? अगर इसका डायमेंशन वन हो गया, वन हो गया, देखिए वो यही होता है, अगर इसका डायमेंशन एक आ गया, फिर यहाँ दो एलिमेंट, अरे भाई वो डायमेंशन वन है, अगर डायमेंशन वन है तो डायमेंशन वन है, डायमेंशन वन डज नॉट मीन कि उसमें एक ही वेक्टर होगा, उसमें पता नहीं कितने सारे वेक्टर आएंगे, है ना, समझ में आ रहे हैं? तो वो डायमेंशन नहीं पूछ रहे आपसे, क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या ये पूछा होता ना हैज एटलीस्ट डायमेंशन टू, फिर सोचते ना, आइए जरा ये करते हैं जी, ये नल स्पेस है या नलिटी पूछ रहे हैं ए माइनस आई के लिए, तो ले लो एक ए ले लो, ये इतना हमें पता था कि सम ऑफ ईच रो इज वन, यानी कि वन एक मतलब मैट्रिक्स ऐसे लेना है जिसका आइजन वैल्यू वन हो जाए पक्का, तो ए यही चूज कर लेते हैं। ये ले लीजिए, इससे हो जाएगा, जैसे भी करिए आराम से हो जाएगा, कोई ऐसा इशू है नहीं, मैं करके बता देता हूँ। ये व्हाट इज ए माइनस आई, ए माइनस आई माइनस वन जीरो वन जीरो माइनस वन वन जीरो जीरो, बस ऐसे ही देख लो आप सभी लोग, व्हाट इज इसका रैंक, अरे रैंक बताओ भाई, देखते जाओ यहाँ पे रैंक, अगर इसका दो है तो नलिटी कितना आएगा, अरे यार अब आप बस भी करो, सो दैट विल बी थ्री माइनस टू दैट इज वन, एंड जी इसका नलिटी वन है, इसका नलिटी वन है, यानी ये जो डायमेंशन है नल स्पेस ऑफ ए माइनस आई दिस इज वन, हाँ जी, यानी कि ये जो नल स्पेस ऑफ ए माइनस आई है ये किसी एक नॉन जीरो वेक्टर का स्पैन होगा, होगा वो नॉन जीरो वेक्टर क्या होगा, दैट शुड बी आइजन वेक्टर कोरिस्पॉन्डिंग टू, बताया था वो, हो गया क्वेश्चन खत्म। अगर यहाँ आपको वन ही लिखना है मान लीजिए जी, क्या मिलेगा, कुछ बोलोगे या नहीं बोलोगे, अल्फा वन 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 फिर अल्फा बिलोंग्स टू आर, यस आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, क्या इस स्पेस में वन 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 है, डेफिनेटली है, इस स्पेस में टू 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 थ्री थ्री थ्री, पता नहीं कितने एलिमेंट्स घुसे हैं, क्लियर हो गया? अगर इसके प्लेस में उसने डायमेंशन पूछा होता तब गड़बड़ थी, अभी देखिए जरा डायमेंशन कितना आ रहा है इसका, अगर डायमेंशन बोला होता ना हैज डायमेंशन एटलीस्ट टू तो गलत होते है, बट वो उसको नहीं, ये ध्यान रखना क्या पूछ रहे हैं, तो दिस इज ट्रू, जस्ट वेट वेट प्लीज वेट, अभी आपने ये लेके किया, घर जाके कोई और लेके कीजिए, ये वाला ले लीजिए, ये करने करने वाला क्वेश्चन है भाई, सच में अच्छा है, छोड़ नहीं सकते, नेक्स्ट ईयर करेंगे, बाद में करेंगे। टेल मी इज इट वन सच मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है और जिसमें सम ऑफ ईच रो इज वन है या नहीं है, तो इसमें भी ए माइनस आई लेके करिएगा, इसमें डायमेंशन इसका दो आएगा, अगर इसका डायमेंशन दो है फिर तो दिख ही गया, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बट डायमेंशन वन आने से भी आपको वेक्टर्स बहुत सारे मिल जाएंगे उसके अंदर, तो वो वेक्टर्स पूछ रहे हैं, डायमेंशन नहीं पूछ रहे। क्वेश्चन ओवर।